फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टीके पेपर यूज़ किया है। आप चाहे तो क्राफ्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। राउंडर की मदद से हमने इस पेपर पे सर्कल बना लिया है। अब हम उसी सर्कल में एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे सर्कल और बना लेंगे, जब तक कि आखिरी सर्कल का डायमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर ना हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ज़्यादा सर्कल ड्रॉ कर लिए है क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा फूल चाहिए। आप चाहे तो कम भी ड्रॉ कर सकते हैं और पेपर आप अपने हिसाब से फूल की साइज के हिसाब से ले सकते हो। अब हम इस पे पेटल्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये पूरा ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। वीडियो में दिखाए हुए तरीके से हमें इसे कट करना है।
अब हम इसके एक छोर को लेंगे और राउंड में फोल्ड करके फिर इसे फ्लावर का शेप देंगे। देखिए, तरह से चिपकाने के बाद हमारा ये फ्लावर तैयार है। इसे सूखने के लिए 4-5 मिनट बाजू रख दें और उसके बाद इसके ऊपर एक गोल्डन या वाइट डायमंड चिपका लें। ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये फ्लावर देखिए इसको हमने ज़्यादा खुला कर दिया है, इसकी वजह से यह बड़ा और खूबसूरत दिख रहा है। ये छोटा वाला फ्लावर भी बहुत सुंदर दिख रहा है।